जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, आपके एसएसबी इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो बिंदास चल रहा है। कुछ बच्चों की एक क्वेरी है कि सर, पीपीटी की प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं, पर वो की पॉइंट्स हमें बता दीजिए जिनसे हम अपनी स्टोरी राइटिंग को और अच्छा कर सके, हम हमारे इमेजिनेशन पर और फोकस कर सके। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि जैसा हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, चाहे हमने किसी चीज को देखा है, पढ़ा है या फिर सुना है, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के आसपास हमारे परसेप्शन और हमारा इमेजिनेशन घूमता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी पहाड़ में हमें किसी भगवान जी की प्रतिमा दिखाई देने लगती है, या फिर आपने यह भी देखा होगा कि अगर हम उड़ते हुए सफेद बादलों को देखें तो वहां भी हमें हमारी वो चीज दिखाई देती है जिसको हमने पहले से देख रखा है। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसा हमारा नजर है वैसा नजरिया होते जाता है। यही चीजें एसएसबी में भी इंप्लीमेंट होती है, एसएसबी में भी लागू होती है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं 6 वो टिप्स कि आप अपने स्टोरी को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए बिना डिले किए आज के वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद में आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो पीपीटी के या फिर टीएटी के स्टोरी को जो आप लिखते हैं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों कि योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी ऑनेस्ट। देखने में क्या आता है कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग एनी पर्टिकुलर पिक्चर, जब आप एक पिक्चर को देख रहे होते हो तो पास्ट में देखे हुए किसी और पिक्चर से आप उसको कोरिलेट करने लगते हो। प्यारे बच्चों, पिक्चर्स की कमी नहीं है, हर एक पिक्चर को आप थोड़ा बहुत भी क्रॉप कर देंगे तो पूरा सीनेरियो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझिए, व्हाट एवर द पिक्चर इज शोन टू यू, आप उस पिक्चर को ऑनेस्टली ऑब्जर्व की आप 30 सेकेंड्स का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जनरली बच्चा कई बार क्या होता है कि वो जो है ना 5-10 सेकेंड्स में ही ये मान लेता है कि मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया है और वो अपने दिमाग को विचलित करने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 30 सेकेंड्स के टाइम को यूटिलाइज कीजिए। पूरे टाइम को एक एक माइन्यूट डिटेल आपकी पिक्चर की देखिए, उसके बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है और उसी के अराउंड आप अपनी थीम को उसी टाइम डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात अगर हम देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आता है कि बच्चे जो हैं कई बार व्हाट एवर द पिक्चर इज शोन टू यू, जो पिक्चर आपको दिखाया गया है उससे बहुत दूर, डोंट गो अवे फ्रॉम द पिक्चर। कई बार बच्चा अच्छी स्टोरी लिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा क्रिएटिव करने की वजह से वो अपने स्टोरी से, अपने पिक्चर से बहुत दूर चले जाता है। और आप अगर अपने पिक्चर से बहुत दूर सोच समझ करके लिखोगे, अगर आपने पीपीटी का स्टोरी लिखा है, तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी जो है वो बाकी सारे कैंडिडेट से बहुत ज्यादा दूर हो सकती है। आपको कॉमन डिस्कशन के दौरान जो है वहां पर कन्फ्रंटेशन मिल सकता है। सो आपको पिक्चर के आसपास ही अपनी स्टोरी बुनना है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। बच्चों, एक ट्रेंड सा है, हम लोग खुद कई बार देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं कि ये ग्रेड 1 स्टोरी है, ये ग्रेड 2 स्टोरी है, ये ग्रेड 3 स्टोरी है। अब वो कई बार बच्चे ने इस जाल में फंस जाता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टोरी कैसे बनाऊं, फर्स्ट ग्रेड की स्टोरी में कैसे बनाऊं। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के कारण से बच्चा जो है अननेसेसरी प्रॉब्लम्स डालता है, जो कहीं ना कहीं पिक्चर के थ्रू हिट भी नहीं होती है। ना पिक्चर के पास्ट से, ना उस पिक्चर के फ्यूचर से उस प्रॉब्लम का कोई लेना देना होता है। तो अननेसेसरी जब हम प्रॉब्लम्स डालते हैं तो एक तो टाइम लिमिटेशन के दौरान हमारा स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है, दूसरा अगर ये पीपीटी में लिखा है तो डिस्कशन के दौरान आपके वैलिड पॉइंट्स वहां नहीं होंगे, तो आप डिस्कशन में ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात है बच्चों, इंट्रोड्यूस रियल रिलेशंस। जनरली हम जो कोई स्टोरी लिखेंगे तो एक बंदा अकेला कुछ तो करता ही करता है, वो अकेला हीरो तो है ही है, बट उस हीरो को बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट लगता है किसी ना किसी रिलेशन में, चाहे वो स्टूडेंट टीचर हो, चाहे वो फादर सन हो, चाहे वो आपके नेबर्स हो। तो नेचुरल रिलेशंस, जिन रिलेशंस को इंडिया में एक्सेप्टेशंस दी हुई है, उन एक्सपेक्टेड रिलेशंस को ही आप वहां लिखिए। जबरदस्ती आप जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ड्रामा वगैरह के सीन क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। जो सोशली एक्सेप्टेड रिलेशन से अगर आप उनको मेंशन करोगे, आपकी स्टोरी नेचुरली बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, टेक योर टाइम। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आपको कुछ ही टाइम हुआ है, तो आप शुरुआती टाइम पे, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा वही गलती करें
इसको गलती भी नहीं कहेंगे, इसको ध्यान से देखना सीरियसली। अगर आज से आपने पीपीटी टीएटी का प्रैक्टिस शुरू किया है तो आपको बेटा शुरुआत के 8-10 दिन आपको जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम का सेंस ये कि भाई 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखना होता है, पर यहां पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जो है 8-9 मिनट्स तक का टाइम आराम से लीजिए और जो कुछ आपने थीम सोची है उसके ऊपर लिखिए। क्योंकि बच्चों जब पहली पहली बार हम लिखना शुरू करते हैं तो हम 4 मिनट में अपनी स्टोरी नहीं लिख पाते, कई बार हम लिखते हैं काटते हैं लिखते हैं मिटाते हैं। सो आप अपना टाइम लीजिए, पिक्चर को 30 सेकंड्स तक ही देखिए, पर उस पिक्चर पे अच्छा थीम सोच करके शानदार स्टोरी लिखने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसको हमें अपनी हैबिट नहीं बनाना है, इसको शुरुआती प्रैक्टिस के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट बच्चा, दिस इज द बेस्ट वे, आप अपनी स्टोरी जब भी किसी को दिखाओगे, आप अपनी स्टोरी या तो किसी ट्रेंड एसेसर से चेक कराइए या फिर खुद चेक कीजिए। अपने दोस्तों से बार बार चेक कराने से क्या होता है, हर आदमी इस दुनिया में ज्ञानी बैठा हुआ है, कुछ भी लिखोगे कुछ ना कुछ वहां पर लोग कमियां जरूर निकालेंगे। सो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन सारे वैलिड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उस स्टोरी को खुद से चेक कीजिए कि क्या मेरा पिक्चर था, क्या मैंने स्टोरी लिखा, क्या ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई है, और क्या ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने अननेसेसरी डाल दिए हैं या फिर मैं नहीं डालता तो चल जाता। ध्यान एक बात का रखना है, एक्शन पार्ट को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ध्यान पूर्वक एक्सप्लेन करना है। एक्शन पार्ट जितना ठीक से एक्सप्लेन करोगे उतना ही दमदार आपका स्टोरी होगा। और एक बात और जाते जाते कि सिंगल पिक्चर सिंगल प्रॉब्लम दमदार सॉल्यूशन, दिस इज द की टू राइट अ गुड एंड मीनिंगफुल स्टोरी इन दी एसएसबी इंटरव्यूज। सो ये सारे वीडियोस आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको खूब हेल्प कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पूरे देश भर से स्टूडेंट्स का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख करके बेनिफिट ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।